प्रथमं शैल पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडिति चतुर्थकं पंचम स्कंदमा एति षष्ठम का तिनिति च सप्तम काल रात्रि महागौरी च अष्टकम नवम सिद्धि दात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्त एतानि नामानि ब्रह्मनैव महात्मना। जय माँ चंद्रघंटा। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मैं आपको देवी के तीसरे रूप चंद्रघंटा की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवी का स्वरूप कैसा है, माँ को चंद्रघंटा क्यों कहा जाता है, मैं इस वीडियो में आपको ये सब बताऊंगी। बंधुओं शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आपको कथा सुना रही हूँ। जो मनुष्य भी माँ चंद्रघंटा की कथा को सुनेंगे, माँ उनकी हर इच्छा पूरी करेंगी। बंधुओं प्रेम भाव से सच्ची निष्ठा के साथ ही माँ चंद्रघंटा की कथा सुनिए और कथा सुनते समय जय माँ चंद्रघंटा जय माँ चंद्रघंटा बोलते जाइए। बोल सच्चे दरबार की जय, चंद्रघंटा माता की जय। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों की तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की नवरात्रि के तीसरे दिन अर्चना की जाती है। माता के मस्तक पर घंटाकार के अर्थ चंद्र के कारण इनको चंद्र घंटा कहते हैं। माँ का शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है, वे सिंह पर आरूढ़ हैं, दसों हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। सिंहारूढ़ माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तत्पर हैं एवं उनके घंटे से निकलने वाली प्रचंड ध्वनि असुरों को भयभीत करती है। माता चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक एवं आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले उपासक को संसार में यश कीर्ति एवं सम्मान मिलता है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्य एवं शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना करने वाले में वीरता निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का संचार उसके मुख नेत्र संपूर्ण काया में कांति गुण का विकास करता है। स्वर दिव्य हो जाता है, उसमें अलौकिक माधुर्य का वास होता है। इनके भगत के आगमन से वातावरण में सुख शांति का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा के साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का सतत विकरण होता रहता है, जो साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, परंतु आराधक एवं उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति इसका अनुभव करते हैं। दुर्गा जी का तीसरा अवतार चंद्रघंटा है। देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। अपने मस्तक पर घंटे के आकार के अर्धचंद्र को धारण करने के कारण माँ चंद्रघंटा नाम से पुकारी जाती है। अपने वाहन सिंह पर सवार माँ का यह स्वरूप युद्ध व दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। चंद्रघंटा को स्वर्ग की देवी भी कहा जाता है। बंधुओं माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए पूजा विधि बता रही हूँ। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए माता की चौकी पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। इसके बाद पूजन का संकल्प लें और वैदिक तथा सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडश उपचार पूजा करें। इसमें आवाहन आसन पाद्य अधर्य आचमन स्नान वस्त्र
सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। इसके बाद प्रसाद का वितरण करें और पूजन संपन्न करें। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं, सभी दुखों का नाश करती हैं। इससे भी माँ चंद्रघंटा को मखाने की खीर का भोग लगाना शेष कर माना जाता है। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर, सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जल धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उनके बाण समूहों को खेतों में ही काट दिया, फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला, फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा, तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया, फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेज हीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया, उसने पुनः शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा, फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला, फिर कराल को भी दांतों, मुक्के एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को चूर चूर कर दिया। बिंदी पाल शस्त्र द्वारा वाशकल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मार कर यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्र धारणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथनों से प्रहार किया, दूसरों को सिंगों से फाड़ा, कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर को भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा, फिर सिंगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा और साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलाए मान होते हुए सींग के द्वारा
छिन्न भिन्न हुए, बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध पूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपनी बाणों से देवी ने बींध डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। तब दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा और अपने सिंगों से पहाड़ उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूं, तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकल ही पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक लिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। बोलो दुर्गा माता की जय, चंद्रघंटा माता की जय। 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।